जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे एस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। कौन बोलेगा? जासमीर जी बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की पोजीशन में और महिलाओं के खास करके अस्पतालों में बहुत खराब पोजीशन है। एक बेड पे दो दो महिलाएं, मैं अपने जिला सीतापुर की बात कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था तो मैंने वहाँ पे देखा एक बेड पे दो दो महिलाएं प्रेग्नेंट लेटी हुई है इलाज कराने के लिए, और उनके साइड में जो जगह होती है उसमें नीचे फर्श पे महिलाएं लेटी हुई हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील और गुजारिश है कि उसकी व्यवस्था वहाँ पे बेड बढ़ाए जाए। 238 बेड हैं टोटल मेरे पूरे जनपद सीतापुर में जिले मुख्यालय पे। तो मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे बेड बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाए और तत्काल जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। मेरी ये अपील और गुजारिश आपसे। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन से जो पैसा दिया जाता है मरीजों को, वो जब सब जगह से थक जाते हैं बेचारे, अपना घर मकान सब बेच लेते हैं, पैसा ख़त्म हो जाता है, तब वो हम लोगों के पास किसी नेता को ढूंढते हैं, उससे लेटर पैड लिखा करके माननीय मुख्यमंत्री विभागाधीन के लिए चिट्ठी लिखवाते हैं। अब जब वो एस्टीमेट अथराइज जो आपके हॉस्पिटल हैं वहीं के लिए वो चिट्ठी आप पैसा देते हैं उन्हीं के खातों में, किसी प्राइवेट किसी व्यक्ति विशेष को पैसा वो नहीं दिया जाता है, वो तो खाते में पैसा जाता है। तो जितने का एस्टीमेट बन के उस मरीज का आता है वितने का ही अमाउंट उसको क्यों नहीं दिया जाता? उसको 50% दिया जाता है, 10 लाख रुपए किसी ट्रांसप्लांट में लगना है और 10 लाख का अगर एस्टीमेट डॉक्टर ने दिया है लिख करके और एस्टीमेट बना के दिया है, अब उसको आप 4 लाख देंगे तो 6 लाख रुपए वो कहाँ से लाके अपनी इलाज कराएगा? वो तो उसके लिए आपका देना बेकार हो गया, उसकी तो जान नहीं बच पा रही है। तो मेरी ये अपील और गुजारिश है कि जितने का एस्टीमेट जब अस्पताल से डॉक्टर्स बना के दे देते हैं और आपके अथराइज हॉस्पिटल हैं जिनको ही आप पैसा देते हैं उन्हीं के खाते में देते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि वो पैसा आप पूरा देने का काम करें ताकि उसके काम आ पाए और उसकी जान बच जाए। ये मेरी अपील और गुजारिश है आपके माध्यम से। ये मैं इतना इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि वो लोग बाकी पैसा कहाँ से लाएं जो इलाज कराएं, तो उनकी इलाज नहीं हो पाए तो आपका पैसा देना ही बेकार है। तो आपसे मेरी अपील और गुजारिश है सभापति महोदय कि आप इस पे संज्ञान लें, और मैं ये भी चाहूँगा माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं इस पे आश्वासन भी देने का काम करें, यही मेरी अपील और गुजारिश है। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। प्रदेश के 74 जनपदों में हर जनपद में 10-10 बेड की डायलिसिस की व्यवस्था आपकी सरकार ने कर दी है। आपकी कहीं ना कर की चक्कर सीतापुर में भी है और सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो हमने स्वयं 2 बार विजिट किया। मैं खुद स्वयं गया हूँ, अचानक गया हूँ। मैं अभी बात कह लीजिएगा, हम पूरी कर ले। हमारे सीतापुर में अस्पताल में जो हमारे वार्ड बने हुए हैं उसमें कम से कम 50 बेड पड़े हुए हैं। 50 बेड के साथ में दो दो लोग, एक एक लोग उनके साथ में रहते हैं मरीज के। इतनी गर्मी होती है उसके अंदर, इतनी हब्स होती है, मैं समझता हूँ उसी में बहुत लोगों को दिक्कतें आ जाती होंगी। तो मैं आपसे ये अपील और गुजारिश करूँगा उसको एयर कंडीशन अगर करा दे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। बैठिए। सीतापुर का जिला अस्पताल और महमूदाबाद का और कई सिधौली का हमने कई अस्पतालों का खुद निरीक्षण किया। मैं बता के नहीं गया हूँ, मैं अचानक गया हूँ बगैर प्रोग्राम के, कोई हमने प्रोटोकॉल जारी नहीं किया था। हमने मरीजों से भी बात की,
डॉक्टरों से भी बात की, वहाँ की दिक्कतें भी देखी, सफाई व्यवस्था के हमने निर्देश दिए। चूँकि सीतापुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 5,500 की OPD वहाँ पर है, 5,500 आदमी जब एक छोटे से कैंपस में आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। हम उसको क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं और एक वहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था भी कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मरीजों को हम कोचिकोड की व्यवस्था, सुविधाजनक व्यवस्था दे पाएँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके बगैर कहे हम सीतापुर गए, आप पता करिए। महमूदाबाद भी गए थे, सीतापुर भी गए थे, सिधौली भी गए थे, कई कोई अस्पताल नहीं पड़ा रास्ते में, तो हम गाड़ी रोक के पूछते हैं भैया डॉक्टर साहब है कि नहीं। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।